उद्धव ठाकरे शरद पवार से सियासत करने का तौर तरीका सीख रहे हैं। शिवसेना पवार के आगे नतमस्तक है कि उनकी कृपा से ही उद्धव ठाकरे सीएम बन पाए, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार शिवसेना में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। जिस तरह से पवार शिवसेना में सेंधमारी कर रहे हैं, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है। शरद पवार ने शिवसेना के 5 नगर पार्षदों को एनसीपी ज्वाइन करवा दी। अहमदनगर के पारनेर नगर पंचायत में शिवसेना एनसीपी ने मिलकर सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब अगले चुनाव से पहले शिवसेना के 5 पार्षदों ने एनसीपी में ज्वाइन कर लिया, जिससे पारनेर में शिवसेना की ताकत कम हो गई है और एनसीपी का वर्चस्व हो गया है। एनसीपी में शामिल होने वाले पार्षदों में डॉक्टर मुदस्सर सैयद, नंद कुमार देशमुख, किसान गंधड़े, वैशाली ओटी और नंदा देशमान हैं। इतना ही नहीं, इनके अलावा शिवसेना के कुछ पदाधिकारियों ने भी एनसीपी का दामन थाम लिया है। इन लोगों का कहना है कि पारनेर के नगर अध्यक्ष से नाराज होकर उन्होंने शिवसेना छोड़ एनसीपी में जाने का फैसला किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एनसीपी नगर चुनाव से पहले पारनेर में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो शिवसेना के पार्षदों को अपने साथ जोड़ने के लिए भी राजी हुई। यानी शिवसेना की ताकत कम करके अपनी ताकत को बढ़ाने को एनसीपी गठबंधन दम के खिलाफ काम करना नहीं मानती। एनसीपी नेताओं का कहना है कि हर पार्टी को अपनी ताकत बढ़ाने का अधिकार है, हम सरकार में साथ हैं, लेकिन पार्टी तो अलग अलग है। दरअसल इस पार्टी तोड़ राजनीति की बड़ी वजह है पारनेर के पूर्व शिवसेना विधायक विजय ओटी और मौजूदा एनसीपी के लंके के बीच वर्चस्व की लड़ाई। बताया जा रहा है कि विधायक लंके शिवसेना छोड़ एनसीपी में शामिल हुए, चुनकर भी आए, फिर अब नगर पंचायत शिवसेना से छीनने का सपना भी देख रहे हैं और इस काम में उन्हें साथ मिल रहा है राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का। बताया जा रहा है कि खुद पार्टी अध्यक्ष शरद पवार भी विधायक लंके के काम से काफी प्रभावित हैं, तभी तो गठबंधन धर्म के खिलाफ जाकर पार्टी बढ़ाने के इस निर्णय को पार्टी ने ही हरी झंडी दे दी है। राज्य में 3 दलों के एक साथ आने और सत्ता चलाने के बाद सवाल ये था कि क्या ये सभी शुरू से ही जमीनी स्तर पर एकजुट रहेंगे। इसका जवाब अब कई जगहों से मिल रहा है। स्थानीय क्रंच राज्य क्रंच से बड़ा है। 3 पार्टियों के गठबंधन की सरकार है, तीनों पार्टियों का सत्ता के लिए मिलन तो हो गया, लेकिन क्या तीनों पार्टियों की विचारधारा का मिलन हो सका है? इससे पहले कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी जाहिर की थी। कांग्रेस के एक मंत्री नितिन राउत ने तो शरद पवार के खिलाफ बोला भी। अब एनसीपी पार्टी बढ़ाने के नाम पर शिवसेना को तोड़ रही है। इससे साफ दिखता है कि गठबंधन की ठाकरे सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सीमा पर भारत और चीन के बढ़ते तनाव के बीच देश में सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी दोनों दलों के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। राहुल गांधी ने फर्जी वीडियो पोस्ट करके ये बताने की कोशिश की थी कि चीन भारत की सीमा में घुस आया है, तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप झूठ और बेबुनियादी खबर फैलाने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर सेना को हतोत्साहित कर रहे हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे जवानों को प्रोत्साहित करने के लिए मोर्चे पर थे, आप एक नेता बनने के लायक नहीं हैं। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में एक वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो में उन लोगों के बारे में जानकारी देने की कोशिश की गई जो राहुल गांधी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में चीनी कब्जे की बात कर रहे थे। वीडियो में एक एक कर दिखाया गया कि राहुल गांधी ने जिन लोगों को लद्दाख के नागरिक बताकर पेश किया, वो दरअसल कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। दरअसल राहुल गांधी ने इससे पहले मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें लद्दाख के कुछ लोग कह रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है, पीएम कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं ली है, जाहिर है कोई न कोई तो झूठ बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। चीन को लेकर इमरान खान अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं। चीन को आंख बंद कर समर्थन करना इमरान खान को अब महंगा पड़ सकता है। इस बात को लेकर पाकिस्तान के विदेश विभाग ने इमरान खान को चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन करना नहीं छोड़ता है, तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा।
विदेश विभाग ने कहा कि भारत से तनातनी और कोरोना संकट के कारण चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना का सामना कर रहा है। अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो यह विश्व की आर्थिक शक्तियों के गुस्से को भड़काएगा। ये शक्तियाँ भारत के साथ टकराव के बाद चीन को विश्व स्तर पर अलग थलग करने के लिए काम कर रही हैं। चीन का आंख मूंद कर समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका तब लगा जब यूरोपियन यूनियन के ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों की उड़ान बैन करने का आदेश दिया। पाकिस्तान ने यूरोपीय देशों को ये समझाने का प्रयास किया कि उसके पास पायलट योग्य हैं, लेकिन फैसले पर कोई असर नहीं पड़ा। यूरोपीय राष्ट्र भारत के खिलाफ आक्रामक रुख के लिए राजनयिक स्तर पर चीन को अलग थलग करने की ओर बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानी सूत्रों का मानना है कि इस्लामाबाद को भी इसका सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान में चीन के खिलाफ पहले ही गुस्सा है। बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान में जिस तरह से चीन CPEC के लिए पाकिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रहा है, उसे लेकर वहां के लोगों में बहुत गुस्सा है। बलूच और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही क्योंकि चीनी कंपनीज चीनी मजदूरों से कम पैसों में काम कराना पसंद करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। इस बात की चर्चा महीनों पहले से थी कि योगी का मुकाबला करने के लिए प्रियंका वाड्रा लखनऊ में रहेंगी। वही पुरानी चर्चा दिल्ली का सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है। लखनऊ छोड़िए, बनारस तक से ऑफर आ चुके। ये चर्चा भी कुछ वैसी ही है जब लोकसभा चुनाव के दौरान प्रियंका वाड्रा ने ये सुर्रा छोड़ दिया था, अगर बनारस से चुनाव लड़े तो कैसा रहेगा। खैर, प्रियंका लखनऊ जाएंगी या बनारस, इस बात का फैसला तो वही करेंगी। लेकिन सवाल यह है कि यूपी में प्रियंका कौन सी पुड़िया बेचेंगी जिसके कारण लोग उन्हें वोट करें। असल बात तो ये है, न तो प्रियंका वाड्रा की ओर से न तो कांग्रेस की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि यूपी को लेकर इरादा क्या है। कहने को तो केंद्र की सत्ता से ही बीजेपी को बेदखल करने का कांग्रेस का इरादा है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई लक्षण नजर नहीं आए। अभी तो ये भी साफ नहीं है कि प्रियंका गांधी जो भी कुछ कर रही हैं वो अमेठी की हार का बदला लेने के लिए है या यूपी में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए या फिर यूपी के जरिए कांग्रेस को प्रधानमंत्री की कुर्सी दिलाने के लिए। अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि प्रियंका गांधी अमेठी को लेकर कुछ खास सोच रही हैं। कांग्रेस की तरफ से पिछले कई विधानसभा चुनावों में प्रचार न करने पर सफाई देते हुए कहा गया था, क्योंकि वो यूपी पर फोकस कर रही हैं, इसलिए बाकी चीजों से दूर रहने की कोशिश कर रही हैं। झारखंड और दिल्ली में तो प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उससे पहले हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए नहीं गईं। कांग्रेस की तरफ से अब तक जो भी बताया गया है उसे मान लेने में तो ये समझ नहीं आता कि प्रियंका गांधी यूपी को लेकर कितनी गंभीर हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों के घर पहुंचकर सांत्वना तो वो जरूर दे रही थी, लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बाद वो बंद हो गया। हालांकि तब से लेकर अब तक वो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ हर मुद्दे पर ट्वीट तो करती रही हैं। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा को पहले से ही खोज लेने होंगे और तभी वो यूपी में कदम आगे बढ़ाएं तो उसका कोई मतलब होगा, वरना जो हाल है वो ऐसे भी नजर आ रहा है और नतीजे तो सबूत ही हैं। अगर प्रियंका गांधी यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो इतना जरूर साफ कर देना चाहिए कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में PCC अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू काफी सक्रिय देखे जा रहे हैं, कुछ ही दिन पहले जेल से छूटे भी हैं। अब अगर कांग्रेस अजय कुमार लल्लू को लेकर किसी हद तक सीरियस है तो साफ कर देना चाहिए, ये तो बता ही देना चाहिए कि अजय कुमार लल्लू 2022 के विधानसभा चुनाव में किस भूमिका में रहेंगे। कार्ति चिदम्बरम टाइप नेता प्रियंका वाड्रा को ही CM कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि कांग्रेस प्रियंका के मोहरे को ऐसे ही पिटने के लिए मैदान में उतार देगी। अगर प्रियंका गांधी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही हैं और उसी के लिए लखनऊ में बसने की भी चर्चा है तो कार्यकर्ता भी तो नजर आने चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहाँ हैं? बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से प्रियंका गांधी ने कभी कोई संवाद किया हो ऐसा अब तक सुना नहीं गया। अगर कांग्रेस बूथ स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को नहीं तैयार करेगी तो वोट कौन दिलाएगा? CAA विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस एक्शन के शिकार लोगों के घर पहुंचकर प्रियंका गांधी उनके साथ खड़े होने की बात करती हैं। ये लोग ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं। मान लेते हैं कि कांग्रेस महासचिव मुस्लिम वोट हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी अगर वास्तव में कांग्रेस को बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश कर रही हैं, तो पहले सपोर्ट बेस की पहचान करनी होगी और उनके बीच मौजूदगी भी दर्ज करानी होगी। 2022 में बीते बरसों के मुकाबले स्थिति काफी बदली होगी।
2017 तक कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल सिर्फ बीजेपी का भय दिखाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे। सच तो ये है कि बीजेपी का भय किसी एक खास वर्ग को दिखाया जा सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के 5 साल मुख्यमंत्री रह जाने के बाद खारिज किए जाने की क्या दलील होगी? कांग्रेस को साफ तौर पर समझना होगा कि लोग बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें? लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें? लोग बीएसपी को छोड़कर कांग्रेस को वोट क्यों दें? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा ने अब तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया है और न ही इस बात का फैसला किया कि उन्हें अब रहना कहाँ है, लखनऊ, बनारस या फिर दिल्ली। न जगह तय की और न ही आशियाना। लेकिन प्रियंका वाड्रा के फैसले का इंतजार किए बगैर केंद्र सरकार ने लोधी स्टेट वाला सरकारी बंगला बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को आवंटित कर दिया है। जाहिर है सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस हाय तौबा मचाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख बलूनी अभी गुरुद्वारा रकाबगंज में स्थित 26 बंगले में रह रहे हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बलूनी ने मंत्रालय से कुछ समय पहले अपने गुरुद्वारा रकाबगंज रोड बंगले को बदलने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि दोनों बंगलों के आवंटन में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया, क्योंकि दोनों गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर और लोधी एस्टेट टाइप 6B श्रेणी के हैं और एक सांसद इन बंगले में रहने का हकदार है। अधिकारी ने आगे कहा कि राज्यसभा सांसद के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है और उन्हें कुछ महीने पहले बंगले को बदलने का अनुरोध किया है। उनके अनुरोध को स्वास्थ्य के आधार पर मान लिया गया। बता दें कि बलूनी को 2019 के आखिर में कैंसर का पता चला और मुंबई में उसका इलाज किया गया। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि वो तब से ठीक हैं। पार्टी के सबसे मुखर प्रवक्ताओं में से एक बलूनी मार्च 2018 में उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बीते बुधवार को टाइप 6B बंगले का आवंटन रद्द कर दिया था, जहां कांग्रेस महासचिव रह रही हैं। बंगला खाली करने के लिए उन्हें 1 अगस्त तक का समय दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि प्रियंका गांधी के पास जेड सुरक्षा है और नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को सरकारी बंगले आवंटित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जब तक कि केंद्रीय गृह मंत्रालय उचित खतरे के आधार पर उनके लिए सिफारिश नहीं करता। बंगला कांग्रेस महासचिव को साल 1997 में आवंटित किया गया था, जब उन्हें एसपीजी सुरक्षा मिली थी। चूंकि उनके पास अब एसपीजी सुरक्षा नहीं है, इसलिए बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है। पहले कोरोना, फिर अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध और अब भारत के साथ सीमा विवाद, इन सब में उलझकर चीन की आर्थिक हालत खराब हो गई है। ऐसे में वो अपनी सैन्य ताकत या व्यापारिक पकड़ की धमक दिखाने की कोशिश कर रहा है। जानकारों का कहना है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की राजनीतिक और कूटनीतिक पकड़ कमजोर हो रही है और उन्हें बड़ा झटका लगा है। भारत की जवाबी कार्रवाई से भी चीन के सुप्रीम लीडर पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा कोई भी संकेत नजर नहीं आ रहा जिससे पता चले कि शी जिनपिंग का कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रभावी नियंत्रण है। इस बार न केवल चीन की हालत खराब हो रही है, बल्कि राष्ट्रपति के हाथ से भी हालात निकलते नजर आ रहे हैं। 2015-16 के स्लोडाउन में चीनी राष्ट्रपति की छवि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन ये समय उन पर भारी पड़ रहा है। उस समय राष्ट्रपति ने बिना ज्यादा मेहनत किए अपनी साख बचा ली, लेकिन मंदी का सामना कर रहे चीन को इस बार पश्चिमी देशों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है, जो कि पहले कई मामलों में चीन के साथ रहा करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से चीन की छवि खराब हो गई है। चीन के एलीट लोग अक्सर पढ़ाई या फिर पर्यटन के लिए पश्चिमी देशों की यात्रा करते थे, जो कि अब अपने ही देश में रहने को मजबूर हैं। चीन का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को भी जोरदार धक्का लगा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वे अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करना चाहता था। चीन पर आरोप है कि उसने खतरनाक कोरोना वायरस को छिपाया और पूरे विश्व में फैला दिया। अब कई देश BRI के मामले में भी कर्ज की रीशेड्यूलिंग की मांग कर रहे हैं। कई कड़वे अनुभवों के बावजूद शी जिनपिंग संस्कृति क्रांति के समय से ही कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार माने जाते हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से पार्टी को पुनर्जीवित किया है। शी ने अपने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बड़ा अभियान चलाया और विरोधियों को सख्त से सख्त सजा दी। स्पष्ट है कि चीन अपनी ताकत से पड़ोसियों को धमकाना चाहता था, लेकिन भारत की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की उससे उम्मीद नहीं थी। चीन समंदर में भी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहा, लेकिन जापान समेत कई देशों ने उसे कानूनों का पालन करने की चेतावनी दी है। हांगकांग में लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से भी शी जिनपिंग को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक छोटे समय के लिए राष्ट्रवाद का ज्वार उनको बचाए रखने में कामयाब हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए ये भी कारगर नहीं होगा।
इस समय शी जिनपिंग के लोगों की नजरों में पार्टी का वर्चस्व बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। नेपाल की राजनीति में तूफान कभी भी आ सकता है। माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ही यह तय हो जाएगा कि ओली इस्तीफा देंगे या फिर पार्टी तोड़ेंगे। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर मची खींचतान इतना गंभीर रूप ले चुकी है कि जिसमें ओली और पुष्पकमल दहल प्रचंड समर्थक अब खुलकर आमने सामने हैं। प्रचंड और ओली के बीच चली आधे घंटे की बैठक आज भी बेनतीजा रही। सोमवार को भी दोनों नेताओं में बैठक प्रस्तावित है। इस बीच प्रमुख विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने पीएम ओली से मुलाकात कर राजनीतिक सरगर्मी को और तेज कर दिया है। इस मुलाकात को लेकर देउबा की पार्टी के अंदर भी विरोध शुरू हो गया है। नेपाली कांग्रेस के कई नेताओं ने देउबा से मुलाकात को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। शनिवार को पीएम ओली ने यह आरोप लगाया था कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सांसद राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं, जिसके बाद रविवार सुबह पार्टी के सह अध्यक्ष प्रचंड ने राष्ट्रपति भवन शीतल निवास जाकर विद्या देवी भंडारी से मुलाकात की। उन्होंने साफ शब्दों में ओली के लगाए आरोपों को नकारा। सोमवार को होने वाली पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में ओली के भविष्य को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। ये बैठक शनिवार को होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे सोमवार तक के लिए टाल दिया गया था। बता दें कि पार्टी की स्थायी समिति में 45 सदस्य हैं, जिनमें से केवल 14 ही पीएम ओली के समर्थक हैं। नेपाल के सदन में 275 सदस्य हैं। सत्ताधारी पार्टी के पास 174 सीटें हैं। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के पास 63 सीटें हैं। कुछ वक्त पहले बनी जनता समाजवादी पार्टी के पास कुल 34 सीटें हैं। इनके अलावा 4 निर्दलीय भी सदन में शामिल हैं। वहीं 4 सदस्य निलंबित चल रहे हैं और 1 सदस्य का निधन हो चुका है। इससे कुल सदस्यों की संख्या 270 रह जाती है। बहुमत से सरकार बनाने के लिए सदन के 136 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। ऐसे में अगर ओली पार्टी को विभाजित करते हैं और माधव कुमार और दहल के खेमे को 42 सदस्यों का समर्थन मिल जाता है तो ओली की कुर्सी पर खतरा हो सकता है, भले ही निर्दलीय सदस्य ओली को समर्थन दें। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि ओली के समर्थन में कितने सदस्य हैं और दहल के समर्थन में कितने।